हम बना रहे हैं मूली वाली रोटी। मूली वाली रोटी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए ताजी मूली। मैंने ये दो मूलियां ले ली हैं। अब हम इनको कद्दूकस करेंगे। मैंने पहले से ही कद्दूकस करके मूलियों को रख लिया है। ये देखिए, मैंने इनको नमक डालकर इनका पानी निकाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। नमक हमने बहुत ही कम डालना है क्योंकि हमने इसमें पहले से ही नमक डाला हुआ है। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल ली है मैंने। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। ये बारीक कटा हुआ अदरक। अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हो तो कम डाल सकते हो। अब हम इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लिया है। अब हमें रोटी बनाने के लिए चाहिए आटा, जो मैंने गूंद कर रख लिया है। अब हम आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। मैंने पेड़े पहले से ही बनाकर रख लिए हैं। अब हम इसकी रोटी बनाना शुरू करते हैं। रोटी बनाने के लिए मैंने गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दिया है। तो आइए हम रोटी बनाना शुरू करते हैं। इस तरह हम पेड़ा लेंगे। उसको इस तरह से बेल लेंगे। इसी तरह हम दूसरे पेड़े को भी इस प्रकार से बेल लेंगे। अब हम इसमें हमारा ये मूली का स्टफ डाल लेंगे। इस तरफ चारों तरफ फैलाते हुए हमने इसको भर लेना है। हमारी ये दूसरी बनी हुई रोटी हमने इसके ऊपर इस प्रकार से रख देनी है और इसे चारों तरफ से हल्के हल्के हाथों से बंद कर देना है। अब हम इसको बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से बेलते हुए हमें इसे बनाना है। हमने रोटी को तवे पे डाल दिया। हमारी गर्मा गर्म मूली की रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं।